नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। फोर व्हीलर और ट्रक की हुई भिड़ंत, मौके पर ही पांच लोगों की हुई मौत। आज प्रातः लगभग 5:30 पर गोंडा बैराज मार्ग पर थाना प्यागपुर के सुकैया पूर्वा चौराहे अंतर्गत लालपुर ग्राम सभा के पास बिहार के सिवान से पंजाब स्थित अम्बाला जा रही फोर्स क्रूजर गाड़ी HR37D4630 अपनी वायु सड़क किनारे खड़ी UP42BT6190 ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 16 मजदूरों को गंभीर चोटें आई। इनमें से दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई तथा शेष तीन CSC प्यागपुर में उपचार के दौरान मृत हो गए। शेष घायलों को CSC प्यागपुर एवं जिला अस्पताल बहराइच इलाज के लिए रवाना किया गया। सभी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक, नगर क्षेत्राधिकारी प्यागपुर व थाना अध्यक्ष सहित पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद थे तथा जिला अस्पताल में क्षेत्राधिकारी, नगर सहित प्रभारी निरीक्षक, नगर व अन्य पुलिस बल की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है। समाचार डिजिटल के लिए बहराइच से संतोष मिश्रा के साथ दुर्गेश चंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज प्रातः करीब 4:15 के आसपास प्यागपुर थाना क्षेत्र में सुकई पूर्वा चौराहे के पास एक फोर्स क्रूजर गाड़ी थी, जो कि बिहार से उसमें मजदूर लदे हुए थे और अम्बाला फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। वो सड़क के किनारे खड़ी हुई एक ट्रक से टकरा गई और उसमें करीब 5 लोगों की डेथ हुई है। 2 लोगों की मौके पर डेथ हुई है, 3 लोगों को CSC हॉस्पिटल भेजा गया था, वहाँ उनकी डेथ हुई है और 11 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया है। 8 लोग मामूली रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, FIR दर्ज कर ली गई है।